The only briefings that I've been able to receive from CSIS are what are called open information briefings or open source briefings, which is information that's available to the public doing an internet search, which I find frustrating. And so I can be transparent about that information that I've received. इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए. हाँ, हमें बताएं अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया यहाँ पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है. ये हिंदुस्तानी रहता. दो बातें होंगी. हाँ, दो बातें होंगी हो या तो कनाडा के 18 टोटे होंगे. हाँ. या फिर इंडिया के. आप कह रहे हैं ये कनाडा के 18 टोटे और टुकड़े होंगे या खालिस्तान बने. In terms of the specific incident in Surrey, I was contacted by the Prime Minister. He briefed me about what he was going to say in the Parliament, which he then went on and said. He offered to me a briefing from CSIS, which of course... जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई. कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी. आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख हैं. जहाज खराब हो गया था 2018 में जब भी आए थे, जहाज खराब हो गया था. बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं, अभी नया हम ले देते हैं. जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पत्रकार ने पूछा. भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे. सर आज आजाद कश्मीर हमारे साथ रहना नहीं चाहता, गिलगित बल्तिस्तान जो है वो जाने को घूम रहे. अब सर वो बातें नहीं रही. भारत सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था, वो भी नहीं माने. तो जब तक ट्रूडो गवर्नमेंट डजंट प्रोवाइड सॉलिड इनकॉन्ट्रोवर्टेबल प्रूफ, इट इज जस्ट एन एलिगेशन. फिर वो आए, 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की. उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं की. इंडिया की तरफ से कनाडा में मौजूद कुछ लोगों को दहशतगर्द करार दिया जा चुका था, तो के ऊपर तो बल्कि उनको एक्शन लेना चाहिए था या कोई जो भी होता. नमस्कार दोस्तों, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के प्रीमियर डेविड एबी ने शुक्रवार को कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से संबंधित जो जानकारी मिली वो इंटरनेट पर उपलब्ध थी. एक संवाददाता सम्मेलन में संबोधित करते हुए एबी ने कहा कि निज्जर की हत्या के बारे में वह जो कुछ भी जानते हैं वो सार्वजनिक दायरे में था. यह एक ऐसी जानकारी है जो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है, जो मुझे निराशाजनक लगती है. एबी ने यह भी कहा कि उन्हें पक्का शक है कि जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व वाली सरकार ऐसी जानकारी छिपा रही है जिसे खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सुरक्षित रखने में मदद मिल सकती है. ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर ने आगे कहा कि कैनेडियाई PM ट्रूडो ने उनसे संपर्क किया था, जिसके बाद ट्रूडो ने उन्हें इन आरोपों के बारे में जानकारी दी जो वह संसद में लगाने जा रहे थे. तो चलिए गाइस, इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं. ट्रूडो साहब ने जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो थोड़ी ढीली थी, उन्होंने उसमें जिक्र किया कि हाउ इंपॉर्टेंट इंडिया इज और हम इंडिया से खराब नहीं करना चाहते, हम कोई प्रवोक नहीं करना चाहते. वो दूसरी दूसरा जो कनाडा जो सपोर्ट चाहता था इंटरनेशनल कम्युनिटी से वो नहीं आई. कनाडा की ख्वाहिश थी कि अमेरिका और बरतानिया कोई जॉइंट स्टेटमेंट दे, वो उन्होंने नहीं दी. फिर वो आए, 5 कंट्रीज हैं, उनकी तरफ सपोर्ट के लिए गए, उन्होंने भी कुछ सपोर्ट सही नहीं की. उनकी वजीर खारजा इस वक्त यूनाइटेड नेशंस में आई, उन्होंने G7 कंट्रीज के लोगों से मिली, सपोर्ट हासिल करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो सकी. अब थोड़ा सा जैक सुलिवन जो कि अमेरिकन NSA है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो पहली स्टेटमेंट से जो दूसरी स्टेटमेंट है थोड़ी स्ट्रॉन्ग है. उसमें उन्होंने जो लफ्ज ये इस्तेमाल किया है कि हम भारत को कंसेशंस नहीं देंगे और हमारे एलाय हैं कनाडा और इनको चाहिए कि उनके साथ कोऑपरेट करें. अब उसके बाद जस्टिन ट्रूडो की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने बोले वो उन्होंने अब वो स्टैंड उनका ये है कि वो कहते हैं हमारे पास एविडेंस मौजूद है
कुकाले हैं, हमारे पास कम्युनिकेशन है, कुछ हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। और यहाँ पे ये भी एक खबर आ रही है कि I5 जो कंट्रीज जिनके साथ उनका रिलेशनशिप, जो एक उनका पैक्ट है, उनमें से एक कंट्री जो है उनके पास किसी डिप्लोमेट इंडियन डिप्लोमेट की कुछ काले या शवाहिद मौजूद है और दे आर कोऑपरेटिंग विद देम। अब बात यहां तक है, अभी तक कनाडा ने कोई भी शवाहिद नहीं रखे सामने। अब जो जो इशू जो बना है वो जो समझा ये जा रहा है, जो लोग मुख्तलिफ एनालिसिस कर रहे हैं, जो मैं अपनी नजर से भी ये कहता हूं कि एक तो ये कहा जाता है कि अगर 2 साल पहले कनाडा को बताया गया था कि नेजर साहब इज ए टेररिस्ट, तो उस वक्त उनको उन पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अगर लिया होता तो आज नेजर साहब जिंदा होते। Exactly. एक तो ये बात। अब दूसरा उसमें ये है कि अगर आपके पास शवाहिद इतने आप नहीं बताना चाह रहे, तो आपको अपनी अपनी असेंबली में खड़े होकर इतना बड़ा एलिगेशन लगाने की क्या जरूरत थी? जस्टिन ट्रूडो से एक पत्रकार ने क्या पूछा कि आपने जो इतना बड़ा इल्जाम इंडिया पे लगाया है, क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे इल्जाम साबित हो जाए? कनाडा जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो पत्रकार ने पूछा। भाईजान मैं पूछ ही नहीं रहा आपसे, मैं कह रहा हूं जो आपने इल्जाम लगाया आपका प्रूफ है हाँ या ना? कह रहे नहीं, कनाडा में तो सब लोग प्यार से रहते हैं बड़े, ये वही ठगमीद वही बातें कर रहा है। मैं ठगमीद से पूछना चाहता हूं, ठगो एक बात बता बेटा, जब गुरपतवंत सिंह पन्नू जो तेरा खालिस्तानी दोस्त है, खालिस्तानी भाई है तेरा, जब उसने ये सब बोला था, क्या तुमने बोला यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा, डिड यू टेल हिम दैट ही इज थ्रेटनिंग कैनेडियंस, डिड यू आस्क फॉर हिज एक्सट्रेडिशन? आपने बोला अमेरिकन गवर्नमेंट को कि इसको अरेस्ट करो? आपने बोला नहीं, क्योंकि वो खालिस्तानी है। रुपया जो है पेरेंट्स का लग चुका है, उन्होंने पढ़ाने के लिए वहां पे फीसें जमा हो चुकी हैं, आज वीजा बंद हो गया, कुछ लोग वहां पे गए हुए जिनकी PR होनी है। ये अगर दोनों के संबंध ऐसे खराब हो जाएंगे तो किसका नुकसान होगा? तो इसलिए सारे हिंदुस्तानियों को मुंह तोड़ वहां पे जवाब देना चाहिए। हाँ, हमें बताएं, अगर भाई अगर आपका जहाज खराब हो गया, यहाँ पे 36 घंटे आप गर्मी में बैठे रहे, इसमें हमारी गलती है? आप वहां जाके पार्लियामेंट में ऐसे बयान दे रहे हो, तो मैं एक बात जरूर कहूंगा, हम सिख जहाज खराब हो गया सर, 2018 में जब भी आए थे जहाज खराब हो गया था। बताओ सर, फिर इस सदन से सर रिक्वेस्ट कर देते हैं भी नया हम ले देते हैं। अब सर वो बातें नहीं रही, सरकार के तरफ से, हमारे तरफ से, देश के तरफ से एक प्लेन उनको ले जाने के लिए भी ऑफर किया गया था। अब वो भी नहीं माने तो गलती हमारी थोड़ी है सर। अब तो उस चीज को, क्योंकि सर इससे भी अब भारत सरकार के फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हर एक आगे एक, आगे बढ़िए। एक बात सर, आखिर सर एक बात और सर, एक जब भी सिखों को क्यों बीच में लेके आते हैं, जब सर अगर उनको वो कहें कोई कनेडियन उनका, कोई भी गैंगस्टर, कोई भी जिसने वहां पे टेररिस्ट है जो इंडिया में छिपा है, तो हम एक दिन में वापस वहां करेंगे। लेकिन पंजाब में आप सिद्धू मूसे वाले का नाम सबने सुना है, उसका सर कहां से कत्ल हुआ, ऑर्डर कहां से हुआ और वो कहां बैठा है? वो कनेडा में बैठा है। जो भी किलिंग पंजाब में हो रही है, वो सारी के सारी गैंगस्टर कनेडा बैठ के यहां किलिंग करा रहे हैं। मैं एक बात कह दूं भाई, 95.5% लोग हैं वो इस देश के साथ हैं और अमन पसंद है। ये सिर्फ आधा परसेंट लोग हैं, 99.5% जो आधा परसेंट लोग हैं वो ट्रूडो साहब के पास हैं। क्यों? क्योंकि गुरुद्वारे से नशे का जो पंजाब में खेल चल रहा है, वो सारे का सारा पैसा जो वो ट्रूडो साहब के पास जा रहा है, चाहे G20 हो, चाहे कोई और हो। उसमें सबसे जरूरी बात क्या होती है? भी टेररिज्म को कंट्रोल करना है।